की एक विधा होती है मनन जब किया जाता है तो श्रुति युक्ति और अनुभूति तीन का प्रयोग किया जाता है मनन में। माने जो हम चिंतन कर रहे हैं वो वेद सम्मत होना चाहिए शास्त्र सम्मत होना चाहिए श्रुति सम्मत अब श्रुति अब युक्ति युक्ति में उदाहरण दिए जाते हैं दृष्टांत दिए जाते तो युक्ति लगाई जाती कि जैसे वो जो श्रवण किया है ना हमको बैठ जाए युक्ति लगा ली जाए तो युक्ति दे देकर के दृष्टांत दे देकर जो चित्त में बैठाल दिया जाता है और तृतीय नंबर पर है अपनी अनुभूति अब कई बार श्रुति सम्मत तो हो और युक्ति युक्त भी हो किंतु अपनी अनुभूति में ना आया हुआ हो ज्ञान वही काम का होता है जो अपनी अनुभूति का विषय बन जाए केवल श्रुति का विषय न रहे श्रुति का विषय तो निश्चित रूप से सत्य है और युक्ति से आपने समझ भी लिया किंतु यदि अनुभूति में नहीं आपकी आया और आप उसको सही ढंग से नहीं अनुभूति में ला पाए तो ज्ञान फिर आपके काम का नहीं रहेगा इसलिए मनन में तीन बातें रखें एक तो श्रुति सम्मत हो युक्ति युक्त हो और वह हमारी अनुभूति का विषय भी हो जैसे अभी हम आपको कहें कि मेरा कभी मरण नहीं होता मेरा कभी मरण नहीं होता एक वाक्य मैंने स्थापित किया और यह शास्त्र सम्मत है कि जीव का मरण नहीं होता है तो अब जैसे युक्ति उसमें लगाई जाएगी क्यों नहीं होता है तो दृष्टांत दिए जाएंगे कि देखो व्यक्ति अमुक मरा था उसके बाद वही व्यक्ति अमुक जगह पैदा हुआ जैसे हमारे श्री ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र जो भरत जिनके नाम से राजा भरत के नाम से भारतवर्ष है पहले भरत थे शरीर छूटने के बाद फिर वही हिरण बने और हिरण बनने के बाद ये सब शास्त्र में है, हिरण बनने के बाद फिर वो आंगिरस गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण बने तो यदि शरीर छूटने से मरण होता होता तो निश्चित रूप से महाराज मरण हो जाता किंतु मरण तो हुआ नहीं ये ये युक्ति दी गई शास्त्र की बात बता करके दृष्टांत दिया गया किंतु अनुभूति क्या है इसकी कि कैसे नहीं मरण होता सत्य की जो व्याख्या है वो त्रिकाल अबाधित की है तो देखो जागृत को कौन देखता है इस समय कथा चल रही है आप सब श्रवण कर रहे हैं इस काल को देखने वाला कौन है मैं ही देखने वाला हूं अभी हमारी अनुभूति में है लेकिन तो यदि हम सो जाएंगे और स्वप्न देखा मैंने तो स्वप्न काल को देखने वाला कौन है स्वप्न काल को भी देखने वाला मैं हूं मेरी अनुभूति है मैंने स्वप्न देखा है, मैं स्वप्न का साक्षी हूं मैंने स्वप्न देखा है तो जागृत का साक्षी भी मैं बन गया और स्वप्न का भी साक्षी मैं बन गया अब आई सुसुप्ति सुसुप्ति में आज हमको बहुत गहरी नींद आई ऐसी गहरी नींद आई कि हवा बहुत चल रही थी मुझे कुछ पता नहीं चला लोग शोर मचा रहे थे तो ये गहरी नींद का साक्षी कौन है मैं ही आज बहुत नींद में आनंद आया एकदम आनंद में हो गया तो ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों का साक्षी में हो गया इस सबकी अनुभूति में है अब ये जो शास्त्र सम्मत बात थी कि आत्मा का कभी मरण नहीं होता है और उसका दोबारा तो युक्ति से आपको समझ में आया दूसरी बात कि दूसरा शरीर भी मिल जाता है अब अनुभूति यह है कि मैं तीनों काल का साक्षी मैं तीनों काल में रहता हूं और जो तीनों काल में रहता है वो सत्य है और जो सत्य है वही का उसी का कभी मरण नहीं होता तो यह बात श्रवण से मनन से और निधिध्यासन से इसको तो यह मनन की विधि है और हमारे पूज्य